नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, मैं आपके सामने बहुत ही एक अच्छी चीज़ लेके आया हूँ कि इंग्लिश के चैप्टर वाइज सोल्ड जो सोल्ड पेपर्स हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आंसर डिटेल में दिया गया है, ठीक है, और ये सब चीज़ें। तो इसमें आप किन किन की तैयारी कर सकते हैं, ये सभी आपके सामने हैं। TGT, PGT, डाइट, DSSB, RBS, KVS, एन सभी सभी इन सभी चीज़ों के लिए यूज, सब सबके लिए बेनिफिशियल ये है। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक आपको इसमें ना सारी डिटेल वीडियो को मैं आपको बताऊँगा, पढ़ के सुनाऊँगा, ठीक है। जिससे आपको सिर्फ क्या करना है कि जैसे आजकल बिजी लाइफ में क्या है कि समय नहीं होता कि हम बैठ के पढ़ें। तो अगर आप जैसे कहीं जा रहे हैं, मेट्रो जा रहे हैं, बाइक बस किसी से जा रहे हैं, तो अपने आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं और आपको याद हो जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए बस मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए जो वीडियो बनाने में समय एफर्ट सब लगता है, ठीक है। अच्छा लगा या अच्छा ना भी लगे, जैसे आपको ठीक लगे। मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर लीजिए, या बाकी मैं बार बार टाइम ख़राब करूँगा इन चीज़ों में, तो काम की बातों पर आते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ क्लोडियस एंड लेटरस ट्रैप्स फॉर द हैमलेट सक्सेड इन किलिंग हिम। तो इसका आंसर होगा पॉइजन स्वॉर्ड। अब ये क्या है कि UPSC कमीशन ने आंसर सी माना है, ठीक है, कि पॉइजन ड्रैगर है, बट इसका जो आंसर डी ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू प्ले देखें तो उसमें उसने पॉइजन स्वॉर्ड से जो था किल किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26। टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ऑफ 12th नाइट रेफर? एपिफेनी। एपिफेनी जैसे आप जानते हैं, फिगर ऑफ स्पीच एपिफेनी का मतलब होता है कि अचानक से सच्चाई प्रकट हो जाना, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया, इसमें यही था कि इसका पहले तो आप पता चला गया कि भाई कि टू विच फेस्टिवल, ठीक है, डज द टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट रेफर, किससे रेफर है? एपिफेनी से। तो इसमें क्या होता है कि देख सकते हैं आप ये पर्पल में कि एक ऐसा डे, ठीक है, जब कॉमेमोरेट्स डेट कॉमेमोरेट्स द विजिट ऑफ द मैगी टू द बेबी जीजस, ठीक है। तो देखिए साथियों, थोड़ा मैं आपको रिलेट करता हूँ, छोटे ना आपको मीम्स आपको पता ही होंगे, ठीक है, मीम करके ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, जब भी आप इस चीज़ को देखें क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाए। मैं ऐसे भी आगे आपको देता रहूँगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27। वो ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो इसका आंसर है टी लॉज। टी लॉज से मतलब है थॉमस लॉज। वो एक प्रेडिसेसर नहीं थे विलियम शेक्स के, बाकी सभी सी मार्लो, आर ग्रीन, बेन जॉनसन, ये सभी प्रेडिसेसर, ठीक है, थे उससे विलियम शेक्सपियर के। आप जानते हैं ये सभी यूनिवर्सिटी बिट्स में आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको डिटेल में आप देखना, और देख सकते हैं मैंने इसको हाईलाइट कर दिया अच्छे से, ठीक है। और साथ ही मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए टेलीग्राम, जैसे आप चैनल देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल भी है जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। उस पर जाके आप इस PDF को भी इवन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी सुविधा के लिए मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिए अभी आपके काम का है। तो बाकी फिर से एक बार कहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर कर दीजिए साथियों को ताकि ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। देखिए साथियों, इसमें बताया कि भाई जैसे आपको जानते हैं क्रिटिक्स थे जो ड्राइडन, तो आप जानते हैं ये इनके फेवर में थे शेक्सपियर के, तो इन्होंने क्या बोला शेक्सपियर। तो देखिए इसमें है कि ही वॉज द मैन, ही वॉज द मैन, आप देख पा रहे हैं, वो फुल ऑफ मॉडर्न एंड एक सेकेंड एंड परहैप्स एंशियंट पोइट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल। तो मैंने जैसे बताया था कि आपको याद करने के लिए सिंपली से याद करना है कम्प्रीहेंसिव सोल। तो देखिए सोल को कैसे होते हैं, मैंने इसे तो ग्रीन भी कर दिया, ड्राई डेन, कोई बंदा ड्राई हो गया है, ठीक है, और वो अब चाहता है कि दोबारा उसकी सोल जो है दोबारा हरी हो जाए। तो देखिए मैंने हरा कलर याद, मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा है लिटरेचर में याद करें, तो आप थोड़े मीम से भी ऐसे मीमिक करके भी याद कर सकते हैं। तो जैसे कंप्रिहेंसिव सोल जो भी आपको दिखे क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि ड्राई डेन इसका आंसर है।
बाकी सब नीचे हाईलाइटेड है कि भाई शेक्सपियर जॉन ड्राइडन इन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएसेस 1668। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।